समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए ये हम लोगों ने अभियान चलाया है और 8 जागरूकता रथ आज निकला है जो अगले एक सप्ताह तक घूम घूम करके जागरूकता फैलाएगा लोगों के बीच में। मुख्य उद्देश्य इसका है कि उनका एक आई कार्ड बनता है सरकार के निर्देशानुसार, वो आई कार्ड सभी लोग बनवा लें ताकि उनको विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके। उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए ये हम लोगों ने अभियान चलाया है और 8 जागरूकता रथ आज निकला है जो अगले एक सप्ताह तक घूम घूम करके जागरूकता फैलाएगा लोगों के बीच में। मुख्य उद्देश्य इसका है कि उनका एक आई कार्ड बनता है सरकार के निर्देशानुसार, वो आई कार्ड सभी लोग बनवा लें ताकि उनको विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके और उनका सशक्तिकरण हो सके। हम लोग देख रहे हैं कि अब सभी शैक्षणिक संस्थानों में, नौकरियों में लोगों का प्रतिनिधित्व धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस प्रकार से मुख्य धारा में लोग शामिल हों, शिक्षा और रोजगार का अवसर मिले, सभी जो हमारे थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर समुदाय हैं उन सभी लोगों को, यही मुख्य उद्देश्य है इसका। कहाँ ये अभी तो हम लोगों ने 8 रथ निकाला है, ये मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में, शहर या उसकी पेरीफेरी में जो है ये मुख्य रूप से लोग रहते हैं जो हम लोग देख रहे हैं, तो इसी शहरी क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों में इसका संचालन किया जाएगा। सर, डेंगू का क्या प्रभाव बढ़ गया? हाँ, डेंगू के लिए भी उपाय सब जगह किए हुए हैं हम लोग और नगर निगम और सभी नगर निकायों द्वारा लगातार फॉगिंग और स्प्रे किया जा रहा है और बाकी जो मरीज आ रहे हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए सभी अस्पतालों में व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार सभी मेडिकल कॉलेज में, सदर अस्पताल में, सभी हमारे अनुमंडलीय अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक हम लोग इलाज की व्यवस्था किए हैं। अभी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, बस अवेयर रहें लोग, जागरूक रहें, अपने आसपास पानी नहीं लगने दें और अगर कहीं लगता है तो सूचना दें हम लोगों को, नगर निगम की टीम पहुंच करके स्प्रे करेगी या कम से कम मिट्टी का तेल जो केरोसिन ऑयल होता है उसको उसमें डाल दें ताकि वो नष्ट हो जाए अगर लार्वा हैं तो सतर्क रहें, सभी लोग अपने आसपास नज़र रखें, यही आग्रह है।